हे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फाइनली वो फ्रेशर बन चुके हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री कर सकते हैं। तो अब आप खुद को इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो गाइज, आज मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल बजाज लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हर एक फ्रेशर को फेस करने पड़ते हैं, और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं उनके आंसर्स भी, और साथ ही साथ कुछ ऐसी गलतियां भी जो आपको अपने इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं करनी है। बट उससे पहले, अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें ये बताइए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी तरफ से आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यूअर अपने कैंडिडेट से पूछेंगे, स्पेशली अगर आप फ्रेशर्स हैं, क्योंकि इससे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही साथ आपके सोचने और समझने के तरीके को भी जज करेंगे। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तब आप इसमें अपनी इंटर्नशिप्स और साथ में अपनी मेजर लाइफ एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, आपने क्या क्या स्किल्स डेवलप किए हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी हॉबी, और आप खुद को एज अ पर्सन कैसे देखते हैं, एज अ टीम मेंबर और एज अ टीम लीडर, और बहुत ही बेसिक चीजें जैसे कि आप कहाँ से हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर्स के अंदर बेझिझक होके कह सकते हैं। और दोस्तों, इस आंसर के लिए मैं आपको 3 चीजों का ख्याल रखने के लिए बोलूंगा। नंबर 1, ट्राई कीजिए अपने आंसर को 2 से 3 मिनट में खत्म करने की। नंबर 2, आपके CV में जो जो लिखा है सिर्फ उसके बारे में बात ना करें, जो आपके इंटरव्यूअर को आपके CV में ना मिला हो आप उनके बारे में भी अपने इंटरव्यूअर को बताएं। नंबर 3, आप अपने अकम्प्लिशमेंट्स, अचीवमेंट्स और स्किल्स को ज़रूर मेंशन कीजिए। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमारी एक दूसरी वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखने के बाद देख सकते हैं, और उस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है कि आपको अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है और इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से देना है। नंबर 2, Why do you think that you are the right candidate for this job? दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा challenging interview question होता है एक fresher के लिए, जहाँ पे interviewer आपके confidence को test करता है। इस question के answer को आपको कुछ इस तरीके से देना होगा जैसे कि आप खुद एक product हैं और आपको अपने आप को sell करने के लिए एक pitch ready करनी है। मतलब You have to sell yourself, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूफ करना होगा कि आप लोग बाकी कैंडिडेट से कैसे बेटर हैं इस जॉब रोल के लिए। तो इस आंसर को देते वक्त आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इस आंसर को देते टाइम आप अपने उन स्किल्स के बारे में मेंशन कीजिए जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, और ऐसा करके आप ऑटोमेटिकली बाकी कैंडिडेट से अलग हो जाएंगे। नंबर 2, आप अपने आंसर को कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को इंटरव्यूअर कैंडिडेट से कुछ अलग तरीके से भी पूछ सकता है, जैसे व्हाई शुड वी हायर यू। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप अपने इंटरव्यूअर को अपने स्किल्स के बारे में किस तरीके से पिच करेंगे और अपने इंटरव्यूअर को किस तरीके से कन्विंस करेंगे, ये देखा जाता है। तो गाइज, इस क्वेश्चन के ऊपर हमने एक डिटेल्ड ब्लॉग भी लिखा है जिसके अंदर हमने आपको 15 एग्जांपल्स बताए हैं जिससे आप इस तरीके के आंसर को अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। आप उस ब्लॉग को ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर पढ़िएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस ब्लॉग के लिंक को शेयर किया है। नंबर 3, What are your strengths and weaknesses? जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू के अंदर आपको अपने इंटरव्यूअर को दोनों ही बातों के बारे में बताना पड़ेगा, जिससे आपका इंटरव्यूअर ये जान पाएगा कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को लेकर। क्योंकि स्ट्रेंथ से आपके इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा कि आपकी स्किल्स इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हैं या फिर नहीं, और वीकनेसेस से ये पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो सकती है। दोस्तों, इस आंसर का आप जब भी जवाब दें तो इन 2 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। नंबर 1, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट यूज़ ना करें जिससे ये लगे कि आप ओवर द टॉप परफेक्शनिस्ट हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इससे आप बोस्टफुल लग सकते हैं। दूसरा ये होगा कि आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप अपने आंसर को उसके हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सेल्स मैनेजर हैं तो आपकी स्ट्रेंथ्स होगी पीपल स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। तो हमने इस टॉपिक के ऊपर भी एक डिटेल्ड ब्लॉग लिखा है
जिसके अंदर हमने आपको 30 एग्जांपल्स दिए हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के, जिसको आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपने इंटरव्यू के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे अपने इंटरव्यूअर के ऊपर। तो ये वीडियो कम्प्लीटली देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। नंबर 4, Where do you see yourself in 5 or 10 years? Employers को ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो उनके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखें। वो प्रेफर करेंगे कि आप उनकी कंपनी के साथ ज्यादा से ज्यादा स्टिक करें। तो जब भी आपका इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन करे, तो आप समझ जाना कि वो जानना चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। नंबर 1, बेस्ट आंसर ये होगा कि आप उनको ये बताएं कि आप इस एम्प्लॉयमेंट को एज अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। दूसरा ये कि अभी आप एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी फील्ड में और अभी फ्यूचर से रिलेटेड कोई फाइनल स्टेज डिसाइड नहीं हुई है। नंबर 5, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? तो ये क्वेश्चन आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछेगा एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। ये बेहद ही कॉमन एंड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा कि आप कंपनी के अंदर कितना इंटरेस्टेड हैं और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलेगा कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। तो जब भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रेडी रहना अपने क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों इन केस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप एटलीस्ट अपने इंटरव्यूअर से ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि आपके इंटरव्यूअर का रिजल्ट कब तक मिलेगा या फिर इसके बाद और कौन कौन से प्रोसेस अभी पेंडिंग हैं। वैसे तो दोस्तों फ्रेशर्स से और भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप सेफली आंसर कर सकते हैं अपनी एस्पिरेशंस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। बट इस वीडियो के अंदर हमने जो आपको टॉप 5 क्वेश्चंस बताए हैं, इनके आंसर्स ही डिटरमाइन कर पाएंगे कि आपको अपनी मनपसंद जॉब मिल पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको इन 5 क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है, बट अगर आपको अपने इंटरव्यू को क्रैक करना है तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इसके ऊपर भी हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर एक डिटेल्ड ब्लॉग लिखा है जिसके अंदर हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बताया है फॉर फ्रेशर्स। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उस ब्लॉग के लिंक को शेयर किया है जिसको आप पढ़ सकते हैं ये वीडियो कम्प्लीटली देखने के बाद। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आ गए हैं अपनी वीडियो के एंड में, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ये वीडियोस आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक वैल्यूएबल इनपुट लेकर आती हैं। और मैं हमारे सारे फ्रेशर्स व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर एक रजिस्टर्ड यूज़र बन सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड स्किल सेट के अकॉर्डिंग, और हमारी वेबसाइट पे मौजूद 1500 से भी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर करने का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। और जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी भी तरीके की क्वेश्चंस या फिर सजेशंस हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी तरफ से आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड सुरक्षित रहें।